और त्रासदी में भी सियासत कैसे की जाती है ये कोई हमारे नेताओं से सीखे। केरल में जिस तेजी से बाढ़ का पानी नहीं उतर रहा है उससे कहीं ज्यादा तेजी से सियासत हो रही है। बाढ़ के पानी में वोट ढूंढने जा रहे हैं। पहले शशि थरूर अनऑफिशियली देश का टुकड़ा लेकर जिनेवा पहुंच गए, तो अब इस बाढ़ में ओवैसी ने भी मजहबी एंगल निकाल लिया है। केरल की मदद के लिए पूरा देश चंदा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कुछ नेता इस पर सियासत कर रहे हैं कि विदेश से पैसा क्यों नहीं ले रहे हम। केरल में 100 साल की सबसे भीषण बाढ़, मोटे तौर पर 20,000 करोड़ का नुकसान, 373 लोगों की मौत, 12 लाख लोग बेघर, 5.5 करोड़ लोगों की जिंदगी पर ब्रेक। केरल में सब कुछ ठहरा हुआ है सिवाय सियासत के। सियासत शुरू हुई केंद्र पर कम मदद का इल्जाम लगाने से, और अब इसमें मजहबी एंगल भी जोड़ दिया गया है। AIMIM के चीफ अज़हरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने UAE से 700 करोड़ की मदद इसलिए भी नहीं ली क्योंकि केरल के लोग बीफ खाते हैं। और यकीनन हमको शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक फॉरेन कंट्री 700 करोड़ रुपए दे रहा है। हम कर सकते, अफसोस की बात यह है कि BJP IT सेल का एक जिम्मेदार कहता है कि चीफ मिनिस्टर के फंड को मत दीजिए क्योंकि पैसे वालों को जा रहा है। कोई कहता है कि ये बर्बादी इसलिए ही क्योंकि वहां पर बीफ खाते हैं। अरे भाई, आप में कोई इंसानियत बाकी है या नहीं है? लेकिन जिस बयान पर ओवैसी ने ये बयान दिया वो किसी BJP नेता का नहीं, हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी का था। सुनिए, इस तरह से कार्य करेंगे, गौ को काटेंगे तो प्रकृति का आपदा स्वाभाविक ही आती है। प्रकृति अब यहाँ पे न्यायालय या कोर्ट या सरकारें सजा तो दे नहीं पाती, तो सजा कौन देगा? तो प्रकृति सजा देता है उसके लिए। कांग्रेस ने मौका लपका, सिर्फ 500 करोड़ देने पर PM को कोसा और कहा कि इससे तो UAE ही अच्छा जो 700 करोड़ दे रहा था। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जो राजनीति की है वो दुखदायी है कि 500 करोड़ इतनी तबाही और बर्बादी के बाद वो भारत सरकार दे और वहीं 700 करोड़ UAE की सरकार दे। बाढ़ की सियासी जंग में अब BJP भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, देश जानता है कि केदारनाथ त्रासदी के बाद इसी कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पाई पाई को तरसा दिया था। हम लोग अपने स्तर से यहाँ से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बाढ़ राहत के लिए जगह जगह गांव गांव में भीख मांग रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेता कई बार सियासत करने की इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि फिर सोचते तक। ओवैसी ने मजहबी कार्ड खेला तो कांग्रेस भी दौड़ पड़ी। उसे लगा कि केरल पर पॉलिटिक्स का ये एंगल भी अच्छा है। सरकार को कोसने की जल्दबाजी में कांग्रेस ये तक भूल गई कि विदेशी मदद न लेने की पॉलिसी तो उसी ने बनाई थी। मोदी तो मनमोहन सिंह को ही फॉलो कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में विदेशी मदद न लेने की जो नीति है ये दिसंबर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई। इसका मकसद दरअसल ये बताना था कि भारत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में खुद सक्षम है, और इसी नीति के तहत भारत ने 2004 में सुनामी पर भी मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन 2005 में नीति में एक बदलाव जरूर किया। ये बदलाव था कि भारत सुनामी पीड़ितों के लिए विदेशी मदद ले सकता है। वो बॉडी से जिनको आप पैसा वापस लौटाएंगे, ये मदद वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए ली जा सकती है। और इसके बाद 2013 में केदारनाथ त्रासदी के वक्त भी भारत ने विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया।